नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24 खबर। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली में तैनात दरोगा से संबंधित है फरियादियों को गाली दे रहे दरोगा का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा की कोतवाली में तैनाती है। एक फरियादी कोतवाली में जमानत की बात कर रहा था, जिस पर मुकेश वर्मा नाराज हो गए और उन्होंने गाली देते हुए कहा कि मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारा। इसके बाद फरियादी कुर्सी खिसाकर आमने सामने बैठ जाते हैं और गाली देते हुए वीडियो को मोबाइल में कैद कर लेते हैं। वही एसपी ने उक्त प्रकरण में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए 24 घंटे में मामले की जांच करने हेतु सीओ मिश्रिक सुशील यादव को सौंप दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सलोनी नाम की महिला ने अपने देवर पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा था। जाँच की गयी तो पता चला कि बड़े भाई ने पत्नी का सहारा लेकर जमीन विवाद में भाई को फंसाने की साजिश रची थी। बाद में दोनों पक्षों ने आपस में मामला सुलझा लिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर पर दबाव बनाने लगे कि मुकदमा वापस लिया जाए। इसको लेकर सब इंस्पेक्टर रुष्ट हो गए। एक थाना मिश्रित से संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हमारे निरीक्षक मुकेश कुमार जी हैं, किसी को आप शब्द कह रहे थे। जानकारी करने पर यह पता लगा कि थाना मिश्रित पे एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें एक महिलावादी सलोनी जी हैं, उन्होंने अपने सगे देवर पर मुकदमा लिखवाया है 314 IPC में, जिसका आरोप उसमें यह था कि मैं गर्भवती थी, हमारे देवर ने मुझको मारा पीटा और हमारी अबॉर्शन हो गया या मेरा मिसकैरेज हो गया। तो इसको लेकर के मुकदमा दर्ज था उसी में। लेकिन जब विधिवत उसमें जानकारी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो जानकारी ये हुई कि दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और उसी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी से विवाद करके मुकदमा थाने में लिखवा दिया था। पैसे का लेन देन पूरा हो गया तो इन लोगों ने थाने पर कम्प्रोमाइज़नामा दाखिल किया था कि हमारे मामले को समाप्त कर दिया जाए। उप निरीक्षक ने उनसे कहा कि आप माननीय न्यायालय में कोर्ट में अपना बयान चलिए दर्ज करा दीजिए, वहाँ पे अपनी पत्नी को भेज दीजिए और मुकदमा तभी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बार बार लगता रहेगा इसमें। इसी बात को लेके वो लोग पुलिस पे दबाव बना रहे थे कि नहीं, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप हमारा काम ख़त्म हो गया। उसी पे वो रुष्ट हो गया, उन्होंने अपशब्द कह दिया। बात जो भी हो, लेकिन किसी भी पुलिस कार्मिक को, किसी पब्लिक के व्यक्ति को इस ढंग से नहीं अपशब्द कहना चाहिए। जो भी हम बातें करें वो हमारा लीगल लैंग्वेज हो, ये गलत बात थी। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ मिश्रित को एक इंक्वायरी सौंपी है और 24 घंटे में इंक्वायरी होती है, उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई या अनुशासनात्मक कार्रवाई इसमें हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज इंडिया 24।